सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस समय गर्मा गर्म मटर के पराठे मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हरी मटर के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, एक चम्मच जीरा डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें 1 इंच रफली कटा हुआ अदरक डाल देते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च डाल रहे हैं या जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो। इसमें हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे तो इसीलिए मैंने यहाँ हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। 10 से 12 लहसुन की कली डाल रहे हैं। साथ में इसमें ढेर सारी हरी मटर डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम हरी मटर ली है। सर्दी का मौसम है और हर जगह हरी मटर मिल रही है तो फ्रेश हरी मटर का यूज़ करें। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, बहुत थोड़ी सी हींग डालेंगे, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। नमक हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसका रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे। सभी चीज़ को मिला देते हैं अच्छे से और कोई भी मसाला नहीं डालने वाले हैं, फिर भी ये जो इसका पराठा बनेगा बहुत ही चटपटा बनेगा। तो इसे ढक देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए हरी मटर को हम पकाएंगे। तो फ्लेम को आप मीडियम रखें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। ये फ्रेश हरी मटर है तो थोड़ा सा पानी अलग होगा, तो इसे आपको अच्छे से पकाना है। मटर बहुत ही अच्छे से पक गई है पर इसमें पानी दिख रहा है जिसे हमें सुखाना होगा, यानी मटर को ड्राई करना होगा और उसके बाद ही इसे हम यूज़ करेंगे। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है, अगर मटर में पानी रह जाएगा तो आपके जो पराठे होंगे वो फटने लगेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और इसे अब हमें ठंडा करना है। तब तक हम पराठे के लिए गेहूँ के आटे से डो तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और जैसे हम आटे को गूंथते हैं सेम इसे भी उसी तरह गूंथेंगे और बिल्कुल नॉर्मल जैसे सॉफ्ट पराठे के लिए आटा हम सानते हैं गूंथते हैं सेम वैसे ही हमें आटा तैयार करना है। तो इसमें मैंने कोई भी मोयम नहीं डाला है, ना ही नमक डाला है, सिंपल मैंने आटे का डो तैयार कर लिया है। मटर भी ठंडी हो गई है, इसे हम मिक्सी के जार में डाल रहे हैं और फटाफट इसे पीस लेते हैं। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो मटर को मैंने बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू, ये उबला हुआ आलू है, और 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने कद्दूकस करके इसमें डाला है। इससे पराठे का टेस्ट भी अच्छा आता है और मैंने नमक भी ज़्यादा डाला था तो इसी आलू के लिए मैंने नमक थोड़ा ज़्यादा डाला था। अब मैंने ले लिया है लहसुन की पत्ती, इस समय सीज़न है तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो केवल आप कटी हुई धनिया इसमें डालें। तो यहाँ मैंने कटी हुई धनिया डाल दिया है और इसके बाद हमें सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ जो मटर का मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम फटाफट पराठे बना लेते हैं। आटा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी इसे मैंने पहले से सान कर रखा था। आप पहले से सान कर रखेंगे तभी पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसकी हम लोई बना लेते हैं। तो जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो उतनी बड़ी आप लोई बना लें। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देते हैं और इसको हम कटोरी का शेप दे देते हैं। मुझे ये तरीका बहुत ही आसान लगता है, यानी पहले हम लोई की कटोरी बना लेते हैं और इसके बाद इसमें जो भी भरना हो वो आप भर सकते हैं। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं, पहले आप लोई को बेलना चाहते हैं तो आप बेल सकते हैं और उसके बाद उसके बीच में जो भी आप भरना चाहें भर दें और उसके बाद उसे बहुत ही अच्छे से सील कर दें। तो इस तरह की मैंने कटोरी बना ली है। अब इसमें जो मटर का मिक्सचर है इसे रख देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसे भरा है, ज़्यादा नहीं भरिएगा नहीं तो फट जाएगा, और बहुत कम भी नहीं भरिएगा नहीं तो पराठे का मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है जिससे ये चिपकेगा नहीं, और इसके बाद इसे अच्छे से सील कर देते हैं। तो अब हमें पराठे को बेलना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर लगा लिया है और फटाफट इसे बेल लेते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से बेलें, बीच में ज़्यादा दबाव ना दें, यानी बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, साइड में दबाना है जिससे आपके पराठे घूमेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। तो बस इसे बहुत ही हल्के हाथ से बेल लें। और हाँ, अगर आपको पराठा थोड़ा मोटा खाना पसंद है तो इसे कम बेलें, अगर आपको पतला खाना पसंद है तो इसे थोड़ा ज़्यादा बेलें। पराठा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और उसके बाद इसे बेलिएगा। तो पराठा मैंने अच्छे से बेल लिया है, अब इसे हमें फटाफट सेकना है और इसी तरह हम सभी पराठे को बेलेंगे। तो यहाँ मैंने तावे को अच्छे से गर्म कर लिया है, इसमें मैंने पराठा रख दिया है। जब हल्का सा एक साइड से सिक जाए तब आपको इसे पलट देना है और इसके बाद आप इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, नहीं तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो पराठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी या तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, तभी पराठे का मज़ा ज़्यादा आता है। तो यहाँ मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, अगर आपको कम डालना है तो आप कम यूज़ करें, आप अपने अनुसार तेल, घी या बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो बस हल्के हल्के हाथ से दबाते रहें और दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से इसे सेकें। तावा ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को आप मीडियम कर दें। तो ये देखिए यहाँ जो मटर का पराठा है ये बहुत ही बढ़िया सा सिक रहा है। मैंने तेल का थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए पराठा बिल्कुल फूल चुका है, बहुत ही हल्के हाथ से दबाना है और दबा दबा कर इसे बहुत ही अच्छे से सेकना है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी देखनी है। जो भी रेसिपी की डिमांड है उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ जो गर्मा गर्म मटर का पराठा है ये बिल्कुल तैयार है, इसे आप हरी चटनी या आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार ये पराठा लगता है। तो बस ये पराठा तैयार है, तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो इसी तरह हम सभी पराठे को बना लेते हैं। तो ये देखिए अंदर स्टफिंग कितनी बढ़िया सी है और ये पराठा कितना मज़ेदार लग रहा है। तो फटाफट बनाएं और सभी को खिलाएं। एक बार फिर से मिलेंगे ऐसी एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।